तो न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में तीन अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन तीनों का इफेक्ट जो है वो सेम है। न्यू चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है अमलगमेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और तीसरा इसमें है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों वैसे तो अलग अलग है, लेकिन तीनों के अंदर जो वर्किंग होनी है वो सेम होनी है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अमलगमेशन की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एक इंडस्ट्री है जिसमें दो कंपनी वर्क कर रही हैं, एक ए लिमिटेड दूसरा बी लिमिटेड। दोनों का एक ही जैसा प्रोडक्ट है, एक ही जैसे कस्टमर हैं जो इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में परचेज करते हैं। तो इन दोनों का आपस में काफ़ी कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो बाद में ये लोग क्या करते हैं, एक ए लिमिटेड वैसे मार्केट में अलग नाम से अपना प्रोडक्ट बेच रही है, बी लिमिटेड अलग नाम से प्रोडक्ट बेच रही है, दोनों की अपनी एग्जिस्टेंस है। बाद में ये दोनों क्या करते हैं, शेक हैंड कर लेते हैं, कहते हैं देखो भाई अलग अलग एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने से फ़ायदा क्या, ऐसा करते हैं हम मिलकर एक हो जाते हैं, हमारी मोनोपोली भी हो जाएगी, जहां हम एक दूसरे को काट रहे थे वहां एक दूसरे के प्रॉफिट में हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो क्या डिसीजन हुआ कि एक न्यू कंपनी फॉर्म की जाएगी जिसका नाम रहेगा ए बी लिमिटेड। ये एक न्यू कंपनी है, ये हमारी ओल्ड कंपनी है, और ये भी हमारी ओल्ड कंपनी है। और जब ये न्यू कंपनी फॉर्म होगी तो इस ओल्ड कंपनी को ये डिसॉल्व कर देंगे, और एक न्यू कंपनी इनके बिजनेस को क्या कर लेगी, बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। इसका मतलब ये जो हुआ, ये दो कंपनियों की पार्टनरशिप हुई, इसे हम बोलेंगे क्या हो गया इनका, अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन का मतलब है पार्टनरशिप ऑफ टू कंपनीज और मोर कंपनी। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग क्या होगी, आपको एक अकाउंटिंग इसके डिसोल्यूशन की करनी होगी, इसका डिसोल्यूशन होगा ना, तो डिसोल्यूशन के वक्त जो अकाउंटिंग करते हैं वो करनी पड़ेगी। जैसे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन की होती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश या बैंक अकाउंट बनेगा, ये सारा वर्क होगा। सेम ऐसी इस कंपनी का भी क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये भी डिसोल्व हो जाएगी। और ये नई कंपनी क्रिएट हो रही है, तो नई कंपनी जो बिजनेस परचेज करेगी उसकी एंट्री करेगी, और ध्यान रखने से दो बिजनेस परचेज करनी पड़ेगी। ये करेगी क्या, बिजनेस परचेज, और ये दो बिजनेस परचेज करेगी, ए लिमिटेड का भी और बी लिमिटेड का भी। तो इसमें एक तरह से चार वर्किंग होने वाली है, डिसोल्यूशन ऑफ ए लिमिटेड, डिसोल्यूशन ऑफ बी लिमिटेड एंड टू परचेज फ्रॉम ए एंड बी लिमिटेड। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, दूसरी चीज होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक स्मॉल कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, एक और कंपनी है बी लिमिटेड, ये भी ओल्ड कंपनी है लेकिन बड़ी कंपनी है, दोनों एग्जिस्टिंग है। बी लिमिटेड ने कहा देख मैं बड़ी कंपनी हूँ, नए नाम से बिजनेस करेंगे, होगी पार्टनरशिप ही लेकिन नए नाम से बिजनेस करेंगे तो फायदा नहीं है, मेरा नाम पहले से चल रहा है, तू छोटी कंपनी है, तू ऐसा कर तू बंद कर दे और मेरे साथ जुड़ जा, हम पुराने नाम से बिजनेस करेंगे, मेरा नाम मार्केट में ज्यादा बेहतर लोगों को पता है, तो नई कंपनी ए बी लिमिटेड नहीं बनाएंगे बल्कि बी लिमिटेड के नाम से काम करेंगे, तू आ जा मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना बिजनेस दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर देगी, ये भी सेम ही काम हुआ करीब करीब, बस पहले में और अब में फर्क क्या कि पहले दोनों कंपनियां डिसॉल्व हुई थी, अब क्या होगी, ये वाली कंपनी हम डिसॉल्व कर देंगे, इसे करेंगे डिसॉल्व, डिसोल्यूशन हो जाएगा इसका, और ये जो कंपनी ओल्ड थी पहले से थी, ये इसको क्या कर लेगी, बिजनेस परचेज। इसमें तुम्हारा काम कंपेयर टू अमलगमेशन आधा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दो कंपनी का डिसोल्यूशन करना पड़ा और दो बिजनेस परचेज हुए, दो ही बिजनेस भी परचेज हुए। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी का ही डिसोल्यूशन हुआ और एक ही कंपनी को हमने परचेज किया, तो इसके अंदर काम इसका आधा ही हो गया, लेकिन वर्किंग सेम हुई, इसमें डबल होगी इसमें हाफ होगी, लेकिन पूरा का पूरा वर्कआउट एकदम सेम तरीके से होगा। इसे क्या बोलेंगे हम, क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में। तीसरी जो सिचुएशन होती है वो होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें एक कंपनी होती है ए लिमिटेड, इसको अपने बिजनेस को वर्कआउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसके आर्टिकल्स जब बनाए गए थे, मेमोरेंडम जब बनाए थे, तो बहुत सारी क्लाउजेज जो है वो मिस कर दिए गए थे, जिससे कि अब उन्हें बिजनेस मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर शेयर कैपिटल भी उन्होंने उस टाइम के हिसाब से जब क्रिएट की थी 5 करोड़ रखी थी, आज की डेट में अगर क्रिएट करते तो 50 करोड़ की कैपिटल के साथ बिजनेस को क्रिएट करते,
तो इनके बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब प्रॉब्लम कर रही है। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे बदलाव करने हो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ठीक है, लेकिन बड़े बदलाव करने के लिए फिर यहाँ पर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ए कंपनी ए लिमिटेड जो है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्लेस्ड है, ओल्ड कंपनी है, ये अपने आप को नए रूप में अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेगी। वो कहेगी लोग तो हम वही हैं, लेकिन हम अब मार्केट में एक नई कंपनी बन के तुम्हारे सामने आएंगे, डबल ए लिमिटेड, जो कि एक न्यू कंपनी होगी, पहले नहीं थी मार्केट में। और रियलिटी में ये नई नहीं है, ये जो ए लिमिटेड थी वही अपना बिजनेस नए तरीके से, नए नाम से, डबल ए लिमिटेड के नाम से शुरू करेगी। लेकिन अकाउंट्स की और खास बात है कंपनी लॉ की, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट भी हो रही है तब भी पुरानी कंपनी अलग थी और नई कंपनी अलग है, तो इसलिए टेक्निकली हम बोलेंगे कि इस कंपनी का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व कर दी जाएगी। ये वही कंपनी है लेकिन ये नए नाम से बिजनेस करेगी, तो इसका मतलब इसने क्या कर लेना है, बिजनेस परचेज करना है, ऐसा बोला जाएगा। वैसे ये वही लोग हैं लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए ए लिमिटेड और डबल ए लिमिटेड भले ही वही लोग हों लेकिन नाम अलग अलग है, और शेयर होल्डरशिप जो है कंपनी के अंदर सेपरेट रखी जाती है, इसलिए ए लिमिटेड नए नाम से डबल ए लिमिटेड में काम करेगी, लेकिन काम वही होगा, इस कंपनी का डिसोल्यूशन होगा और एक नई कंपनी बिजनेस को परचेज कर रही होगी। इसे बोलेंगे क्या हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसीलिए तीनों चैप्टर अगर देखें तो काफ़ी सिमिलर होंगे, तीनों में वर्किंग आपकी एक ही होने वाली है, तीनों के अंदर आपको डिसोल्यूशन करना है और तीनों में ही आपको क्या करना है, बिजनेस परचेज करना है। अमलगमेशन सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर आपके समझ लें दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने जैसे होंगे, बाकी सब के अंदर एक एक बार डिसोल्यूशन होगा और एक एक बार ही बिजनेस परचेज होगा। अमलगमेशन में दो बार डिसोल्यूशन होगा और दो बार बिजनेस परचेज होगा, ठीक है, क्लियर है पहली बात। जो नेक्स्ट चीज़ अमलगमेशन के अंदर हमें पता होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी अमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये चीज़ हमें पता हो गई है कि कोई ना कोई कंपनी डिसॉल्व होगी और कोई दूसरी कंपनी उसके बिजनेस को परचेज करेगी। ये तो मस्ट है कि अगर अमलगमेशन हो रहा है दो कंपनियां डिसॉल्व होंगी और एक नई कंपनी होगी जो दो बिजनेस परचेज करेगी, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एक ओल्ड कंपनी डिसॉल्व होगी और एक ओल्ड ही कंपनी उसका बिजनेस परचेज करेगी, और अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ओल्ड कंपनी एक डिसॉल्व होगी और एक न्यू कंपनी फॉर्म की जाएगी जो उसका बिजनेस परचेज करेगी। कोई सा भी आप क्वेश्चन करें, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करें, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके सामने होगी वो ये होगी, ये जो डील हमने किया उसको अकाउंट में कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करें। मतलब ये जो एक कंपनी बिक रही है और दूसरी कंपनी उसके बिजनेस को खरीद रही है, ये जो कॉमन डील होगा वो कितनी वैल्यू का होगा, इसे हम बोलते हैं परचेज या सेल कंसिडरेशन, ठीक है, परचेज या सेल कंसिडरेशन। ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम होगी किसी भी अमलगमेशन के क्वेश्चन या एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि बिजनेस डील जो दो कंपनियों ने किया, एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा, वो कितनी वैल्यू पे डील हुआ। ये फिगर निकालने के दो प्रोसीजर हैं, दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसके अंदर ऑलवेज ऑलवेज जो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो इसमें वे लिखूंगा उसी को सबसे पहले अप्लाई करना है, अगर फर्स्ट फेल हो जाए ओनली देन आप सेकंड का यूज करेंगे, कभी भी जिंदगी में सेकंड को फर्स्ट अटेम्प्ट में यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट जो इसका वे है वो है टोटल पेमेंट मेथड, आप टोटल पेमेंट कितनी होनी है इसे गिनेंगे। अगर आप ये गिन सकते हैं तो जिंदगी में दूसरा तरीका जो मैं लिखने वाला हूँ उसको नहीं अपनाना है, हमेशा इसी को प्रेफरेंस देनी है और हमेशा इसी से वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ किया जाएगा जब ये तरीका जवाब नहीं दे सकता, वरना दूसरे की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका होगा वो होगा नेट असेट मेथड। अब दोनों के अंदर मैं कंपैरिजन करा देता हूँ, और क्यों फर्स्ट तरीके को ही हम अपनी तरफ से प्रेफरेंस देते हैं और जब तक ये लग सकता है तब तक दूसरे को कभी भी कॉल नहीं करेंगे, वो है टोटल पेमेंट मेथड। अगर आपको पता है कि बेचने वाली कंपनी को खरीदने वाली कंपनी से कितनी पेमेंट मिल रही है, अगर आपको सब पता है तो इसका मतलब वही डील प्राइस हुआ होगा।
अब उसके पास असेट भले ही कम वैल्यू की हो और भले ही असेट ज्यादा वैल्यू के, कम वैल्यू की असेट है तो ये कंपनी गुडविल के पैसे दे रही है, फालतू अगर पेमेंट कर रही है, और अगर कम वैल्यू की असेट है तो कैपिटल बेनिफिट ले रही है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन टोटल पेमेंट के बराबर होगा। मैं कहता हूँ कि तुमने एक बाइक परचेज की, अपने फ्रेंड से परचेज की या किसी और से परचेज की, मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू कुछ है, लेकिन तुमने डील कर लिया, आपने टोटल उसको जो पेमेंट करने की बात कर ली है वो 80, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, मैं कहता हूँ कि 45,000 में बात कर ली। अगर आपने बात 45,000 में कर ली, आपको टोटल पेमेंट पता है 45,000 करनी है, तो इसका ना डील का वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब भले ही फेयर वैल्यू इसकी 35,000 और भले ही इसकी फेयर वैल्यू 50,000 है, डील तो 45 में ही होगा, 45,000 ही इसका प्राइस होगा, तो इसकी फेयर वैल्यू मतलब इसकी असेट की वैल्यू हमारे लिए अब रेलेवेंट नहीं है अगर आपको टोटल पेमेंट की जानकारी है। तो अगर टोटल पेमेंट पता होगा तो कभी भी हम नेट असेट मेथड नहीं लगाएंगे। नेट असेट मेथड तभी लगाएंगे जब हमारी टोटल पेमेंट हम नहीं निकाल सकते, अभी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं टोटल पेमेंट का मतलब क्या होता है। टोटल पेमेंट के अंदर जो भी परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ऑनर को जो चीज देती है, सिर्फ उसी को परचेज की टोटल पेमेंट में गिना जाएगा। ये मैं बता दूं, हमारी अगर कंपनी है, बैलेंस शीट है, एक कंपनी है जो कि सेल होने वाली है, इसको मैं बोल रहा हूँ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मतलब सेलिंग कंपनी, ये बिक रही है। इसका बिजनेस कौन परचेज कर रही है? एक दूसरी कंपनी है पी लिमिटेड, ये इसके बिजनेस को अपने साथ टेक ओवर करना चाहती है। अगर ये टेक ओवर कर रही है तो ये क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि दोनों कंपनी एग्जिस्टिंग है, एक कंपनी बिक के दूसरी कंपनी के साथ आ रही है तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर दो कंपनी बिक के नई कंपनी बन रही होती तो अमलगमेशन, आपको फौरन पता चल जाएगा हम क्वेश्चन किस टाइप का कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे एक हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक यहाँ पे डिबेंचर हो सकते हैं, बैलेंस शीट में लोन हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती ना। तो आपने इस कंपनी ने बिजनेस जब परचेज करना है तो जो कुछ भी इन लोगों को ऑफर किया गया है, जो कुछ भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑफर किया गया है, भले ही मैं इनको शेयर दूं, भले ही मैं इनको डिबेंचर दूं, भले ही मैं इनको कैश दूं, भले ही मैं इनको कोई ड्राफ्ट दूं, बैंक दूं, भले ही इनको कुछ और दूं, अदर जो कुछ भी इन दोनों लोगों को दूंगा वो सब टोटल पेमेंट हो रही है। ऑनर के हाथ में जो चीज़ आप देते हो उसी को टोटल पेमेंट में गिनोगे। इनको अगर मैं डिबेंचर दूं तो भी गिना जाएगा, कितनी वैल्यू के डिबेंचर दिए भैया तेरे को पेमेंट हुई है, तेरे को मैंने कितनी वैल्यू के शेयर दिए ये भी गिनूंगा कितनी पेमेंट हुई है, कैश दूंगा वो भी गिनूंगा, कोई और अदर इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी वो उनको दे दी वो भी गिनूंगा, जो कुछ भी इन दोनों को मतलब शेयर होल्डर को दूंगा वो टोटल पेमेंट में गिना जाएगा। और जो कुछ भी मैं इन लोगों को दूंगा, चाहे इनको मैं शेयर दूं, चाहे मैं इनको डिबेंचर दूं, चाहे मैं बैंक दूं, चाहे मैं कैश दूं, इसको टोटल पेमेंट में नहीं गिना जाएगा। सिर्फ ऑनर को जो पेमेंट की गई है वो गिनी जाएगी, मतलब इनको शेयर दूंगा तो भी नहीं गिनूंगा और इनको अगर डिबेंचर दूंगा तो भी गिन लूंगा। बात समझ में आ गई है? आप ऑनर को जो देते हैं वो टोटल पेमेंट में गिना जाता है, किसी भी ऐसे पर्सन को आपने कुछ दिया जो ऑनर नहीं है वो टोटल पेमेंट में गिना नहीं जाएगा। तो टोटल पेमेंट मेथड कहता है कि आपने ऑनर से डील किया तो ऑनर को क्या दिया, बाकी तो सब अदर पेमेंट्स हैं, ऑनर को जो कुछ दिया वो टोटल पेमेंट में आ जाएगा। तो ऑनर के लिए शेयर है, और ऑनर कौन होंगे? सिर्फ शेयर होल्डर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस, उन दोनों को जो कुछ भी मिलेगा वो इसमें गिना जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि से मैंने इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मैंने अपनी नई कंपनी के 2 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, गिन लेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर थे इनके इस कंपनी में, उनको हमने 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, वो भी गिन लेंगे। उसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को ही हमने कहा ये आपको थोड़ा सा कैश भी देंगे, 1 करोड़ रुपए का कैश देंगे, तो इसका ना हमारा डील कितने का हुआ? 4 करोड़। वो कह रहे हैं हमने डिबेंचर होल्डर को भी 2 करोड़ रुपए दिए, हम कह रहे हैं डिबेंचर होल्डर के 2 करोड़ इसमें नहीं गिने जाएंगे। आपने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कुछ भी दिया, चाहे शेयर दिया, डिबेंचर दिया, इन्वेस्टमेंट दी, बैंक दिया, कुछ भी दिया, वो सब गिना जाएगा। अदर पर्सन को कुछ दोगे तो नहीं गिना जाएगा। सब कुछ पता है आपको? तो 4 करोड़ का डील हो गया। अब भले ही इसके पास असेट 3 करोड़ की हो, भले ही इसके पास असेट 5 करोड़ की हो, परचेज कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 4 करोड़ रुपए। कब हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा? तब ये मेथड यूज करना पड़ेगा अगर मैं कोई पेमेंट तुम्हारी, एक पेमेंट, और ध्यान रखना सिर्फ एक ही पेमेंट हटाना
मेरे को हटा दूँ तो मैं निकाल पाऊंगा, वरना निकाल भी नहीं पाऊंगा, कोई एक पेमेंट मैं क्लियर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बोलूंगा भाई, मैं तुम्हें अब यहीं पे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर को 2 करोड़ के नए शेयर देंगे, 1 करोड़ के नए प्रेफरेंस शेयर देंगे और थोड़ा सा कैश देंगे। अब ये और थोड़ा सा कैश का मतलब मैं क्या मानूँ? अब मेरे को टोटल पेमेंट सस्पेंस में आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक पेमेंट मैंने छुपा ली, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कैश कितना देने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कैश सस्पेंस में डाला, आपको अब सवाल पूछना पड़ेगा भाई बिजनेस में असेट कितनी है, जितनी असेट होंगी उसी हिसाब से तो पेमेंट की जा रही होगी, तब आप आ जाओगे उसकी नेट असेट के। अब आप पूछोगे अच्छा ये बता तेरे पास असेट कौन कौन सी है और वो कितने कितने की है, तो अब आप सवाल उससे क्या पूछेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, नेट असेट निकालोगे ना सबसे पहले पूछोगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट क्या। उसने कहा जी मेरे पास जो असेट है वो 6 करोड़ रुपए की है। हमने कहा अच्छा 6 करोड़ की असेट है, क्या कोई लायबिलिटी भी है जो हम टेक ओवर करेंगे? अगर हम टेक ओवर करेंगे तो लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो इसमें से हम कहेंगे पहले जो लायबिलिटी है वो माइनस करेंगे, तब देखेंगे तेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है। पता चला उसने बोला कि फेयर लायबिलिटी है, फेयर वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज, 2 करोड़ रुपए सन्ड्री लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू निकली। तो कितना उसके पास नेट असेट है? नेट असेट उसके पास निकली 4 करोड़ रुपए। तब कहेंगे भैया 4 करोड़ देने हैं, अब तेरी मर्जी है, शेयर लेगा, डिबेंचर लेगा, कैश लेगा, इन्वेस्टमेंट लेगा, क्या लेगा, हम तेरे को पेमेंट जो करेंगे वो कितनी करेंगे, 4 करोड़ रुपए। और इसी 4 करोड़ से आप यहाँ पर लिख के बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, देख भाई 4 करोड़ रुपए देने थे, तेरे पास 4 करोड़ की असेट है तो मैं 5 करोड़ क्यों दूंगा? तो तेरे पास असेट है 4 करोड़ की, देख तूने 2 करोड़ के तो इक्विटी शेयर ले लिए, 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर लिए, बाकी अब 1 करोड़ बचा है, 1 करोड़ का तुझे कैश दूंगा। बात समझ में आ गई? ये वाला तरीका तभी यूज करना है, ये वाला तरीका तभी यूज करना है अगर आपको पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। अगर पेमेंट के बारे में जानकारी है तो डेफिनेटली वही तरीका लगेगा। अगर उसने पेमेंट छुपाई है तो सिर्फ एक पेमेंट वो छुपाएगा, और वो एक पेमेंट आपको निकालने के लिए सबसे पहले इसकी असेट्स का टोटल करना पड़ेगा, जो बाकी डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट वो उसको कैश के रूप में या जो भी मिसिंग फिगर है उस रूप में दे दी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई यहाँ पे उसके पास लायबिलिटीज जो है वो 2.5 करोड़ थी, तो यहाँ पे नेट बैलेंस कितना बचेगा, 3.5 करोड़। हम कहेंगे देख भाई अब 3.5 करोड़ रुपये तुझे देने, हमने तेरे पास ऑलरेडी 3 करोड़ आ चुके हैं, तो इसका मतलब 0.25 करोड़ रुपये ही हम तुझे क्या देंगे, कैश देंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यह वाला मेथड ही हमेशा प्रेफरेबल है। फेयर असेट, फेयर वैल्यू मेथड या नेट असेट वैल्यू मेथड जो है वो तभी यूज़ करना है अगर आपको टोटल पेमेंट की जानकारी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से ये सारी की सारी बातें बता देता हूँ। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1,